welcome to my YouTube channel. सुप्रिया विद कुकिंग. बर्गर बनाने के लिए आपको मटर लेना है, चूरा लेना है, चूरे को भिगो लेना है, उसके बाद उबले हुए आलू लेना है, उसको मैश कर लेना है. उसके बाद गर्म करके फ्राई करना है टमाटर को. मटर को फ्राई करने के लिए उबले हुए जो आलू है उसको डाल देंगे. उसके बाद अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे. उसके जो हमने भिगे हुए चूरे रखे हुए थे उसको डाल देंगे. उसको भी फ्राई कर लेंगे अच्छे से. उसके बाद हम उसमें हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर. अगर आपको तीखा पसंद है तो भी डालें, थोड़ा सा स्पाइसी बनने के लिए. और थोड़ा सा नमक डालना आपको सादा मिर्चा. थोड़ा सा सब्जी मसाला डालना है, अच्छे से मिला लेना. अच्छी बनती है, टेस्टी आता है. मैसे मिला जैसे जैसे मैश कर लेंगे. पहले टिक्की बनानी है जैसे. एक भी मटर खड़ी नहीं होनी चाहिए. उसको बाउल में हमको क्या करना है, मैदा लेना है 4 चम्मच, मक्की का आटा 2 चम्मच, 3 चम्मच आप ले सकते हो. क्योंकि इसका हमको बैटर तैयार करना है. पानी डाल देंगे, अच्छे से मिला लेंगे इसको. क्योंकि इसमें टिक्की डालना है, पानी डालेंगे, अच्छे से बैटर तैयार कर लेंगे. किया हुआ था हमने टिक्की बना ली है. अब उसको जो बैटर हमने तैयार किया हुआ था उस बैटर को टिक्की डाल के अच्छे से. तो मक्के का आटा होता है, कटोरी में और टोमेटो कच्चा इसको अच्छे से मिला लेंगे. पाव को उसके बाद जो हमने मेयोनीज और केचप लगाया हुआ था बनाया हुआ था उसी को हम अच्छे से लगा लेंगे इस पे. ये पत्ता गोभी रखेंगे ऊपर से. उसके बाद जो टिक्की बनाई हुई थी वो फिर दूसरे पे भी पाव पे ऐसे ही लगा लेना है. ऐसे ही पत्ता गोभी रखते हैं ऊपर सजा देना है ऐसे ही. उसके जो ओनियन हमने काट के रखा हुआ था ओनियन, फिर टमाटो स्लाइस जो काटे हुए थे हमने उसके उसको ऊपर रख देना अच्छे से. ये बन के मेरा रेडी हो गया. ये कितना अच्छा बना हुआ. ये मैकडॉनल्ड्स सेम ऐसे ही होता है. टेस्टी यम्मी. थैंक्स फॉर